हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th का इंग्लिश का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। ये एक पोयम है, इन्वोकेशन। इन्वोकेशन एक पोयम के साथ साथ एक प्रार्थना है, एक हिम या हाइम जिसे कई लोग प्रोनाउंस करते हैं। ये अथर्ववेद से ली गई है। अथर्ववेद से लेने के बाद कई संस्कृत की कविताओं को, कई संस्कृत के श्लोकों को और प्रार्थनाओं को ट्रांसलेट किया गया है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। जिस पार्ट से ये ली गई है वो ट्रांसलेट किया गया था अविनाश चंद्र बोस के द्वारा। तो अगर कोई पूछता है कि ऑथर या पोएट कौन है, तो इसमें अविनाश चंद्र बोस का नाम आएगा। ऑल्सो ये इन्वोकेशन मतलब एक प्रार्थना किस चीज के लिए है, कॉनकॉर्ड के लिए। कॉनकॉर्ड एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इस पोयम में। कॉनकॉर्ड मतलब आपसी सामंजस्य। दो अलग अलग धर्म के लोग, दो अलग अलग जगह के लोग, दो अलग अलग कल्चर के लोगों के बीच में जब एक सामंजस्य बनता है, जब एक यूनिटी बनती है, जब वो एक साथ रहते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉनकॉर्ड। तो हम पोयम की एक बार क्विक रीडिंग करते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू एक्सप्लेनेशन। तो पोयम के दो पार्ट्स हैं, मतलब दो स्टैंजा है। पहला स्टैंजा है, Let us have concord with our own people and concord with the people who are stranger to us. Ashwin created between us and the strangers a unity of hearts. A unity of hearts. Second part पे अगर हम जाएंगे तो देखेंगे may we unite in our mind and in our purposes and not fight against the divine spirit within us. Let not the battle cry amidst many slain. A last line है, nor the arrow of the war god fall with the break of the day. तो ये हो गई पोयम की रीडिंग। अब आते हैं हम स्टैंजा वाइज स्टैंजा समझने पर। तो पोएट यहाँ पे क्या कहना चाहता है? पोएट ने यहाँ पर स्ट्रेंजर्स और हमारे बीच में यूनिटी की बात की है। अब ये स्ट्रेंजर्स कौन है? जब कई बार हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसके कई समरीज हैं, अलग अलग जगह पढ़ेंगे, तो फॉरेनर्स वर्ड का यूज किया गया है। अब यहां पे बच्चा कंफ्यूज ये हो जाता है कि फॉरेनर्स मतलब विदेशी हैं क्या? नहीं, फॉरेनर्स यहां पर मतलब रखता है, फॉरेनर्स मतलब ऐसे लोग जो हमारे कल्चर को बिलोंग नहीं करते, या फिर जिनका कल्चर हम नहीं जानते, जिनका रिलीजन हम नहीं जानते, जो एक अलग रिलीजन से आते हैं, जिनकी मान्यताएं कुछ अलग हैं। तो उनको कैसे अपने साथ रखें, कॉनकॉर्ड उनके साथ कैसे रखें? तो इसमें यही है कि जरूरी नहीं है कि आप अपने में कॉनकॉर्ड रखें, अपने साथ साथ आप औरों की भी कॉनकॉर्ड रखें। कॉनकॉर्ड किसके साथ रखेंगे? जो अलग धर्म से हैं, जो अलग भाषा से हैं, और साथ ही साथ जो अलग देश से भी हैं। अब इसी में जब आप आंसर्स देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि दो वर्ड्स और यूज हुए हैं, द नेबर्स एंड द कंट्रीमैन। नेबर्स, कंट्रीमैन, ये हो गए आपके अपने पीपल। जब आप कॉनकॉर्ड की बात करते हैं तो दो लोगों के बीच में बात करते हैं, उन दो लोगों का नाम है एक ओन पीपल एंड फॉरनर्स। तो ओन पीपल हमारे आसपास के लोग, हमारे समूह के लोग, हमारे धर्म के लोग, हमारे जानने वाले लोग, जिनको हम जानते हैं, जिनको हम समझते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कौन हो गए? जिनको हम नहीं जानते, जो हमसे रेगुलरली नहीं मिलते, पर एक तरह से वो भी हमारा पार्ट हैं। जैसे हिंदुस्तान में हम रहते हैं तो हमारे शहर के लोगों को मोस्टली हम जानते हैं, पर क्या जिनको नहीं जानते वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। उनसे भी हमें साथ में सामंजस्य बनाना है, कॉनकॉर्ड बनाना है, यूनिटी बनाना है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब इस जो पहला स्टैंजा है इसमें अश्विन्स का नाम लिया गया है कि अश्विन्स क्रिएटेड अ यूनिटी अमंग आवर हार्ट। तो अश्विन्स कौन है? When you will see the meanings, आपको पता पड़ेगा। उन्होंने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे रखा है, अश्विन्स गॉड्स हैं, अश्विन्स जुड़वा भाई थे जो यूनिटी का प्रतीक थे। अब और अगर हिंदुत्व में जाके देखेंगे तो अश्विन्स दो ऐसे देव थे जो हीलिंग पावर रखते थे, मतलब लोगों की बीमारियां सही करने की पावर रखते थे। इसलिए भी इन्हें यूनिटी का प्रतीक बताया गया, क्योंकि ये हेल्पिंग नेचर के थे। तो अश्विन्स का यूज यहां पर टू डिनोट द यूनिटी है। नेक्स्ट स्टैंजा में आप जाएंगे तो देखेंगे कि वहां पर वॉर की बात हो रही है, स्लेन एक वर्ड यूज हो रहा है, बैटल क्राई वर्ड यूज हो रहा है, वॉर गॉड यूज हो रहा है, वॉर गॉड वर्ड यूज हो रहा है। तो ये क्या है? स्लेन मतलब जब बहुत ज्यादा वॉर होती है, जंग होती है, तो जिससे जो लोग मरते हैं, किलिंग होती है, उसको स्लेन बोलते हैं।
बैटल क्राई, बैटल क्राई का मतलब यहाँ पर कई बच्चे गलत समझ लेते हैं कि जो रोना है, क्योंकि क्राई का सीधा मतलब होता है रोना, पर यहाँ पर रोने से कोई संबंध नहीं है बैटल क्राई का। बैटल क्राई मतलब जब पुराने जमाने में लड़ाइयाँ होती थी तो जो सैनिक होते थे वो अपनी पूरी सेना का जोश बढ़ाने के लिए जोर जोर से आवाज़ें करते थे जंग चालू होने के पहले। वो जो आवाज़ होती थी उन्हें बोलते हैं बैटल क्राई। तो सेकंड पैरा में क्या कहना चाहता है जो पोएट है, जो कवि है, वो क्या कहना चाहता है? वो ये चाहता है कि हम यूनाइट कर लें अपना माइंड और अपना पर्पस, हम अपना माइंड और अपना पर्पस यूनाइट कर लें। क्यों कर लें? जिससे लड़ाइयाँ ना हो, जिससे मतभेद ना हो। वॉर का मतलब सीधे सीधे मार काट लड़ाई नहीं है, वॉर का मतलब है आपस में चीज़ों में मतभेद भी होना, कोई किसी चीज़ से सहमत नहीं है। तो वो ये कह रहा है कि ऐसा काम ही मत करो कि आप असहमत हो, अपना माइंड और अपना पर्पस एक रखो, मतलब अपना इंटेंशन, अपनी विचारधारा एक रखो जिससे ये ना हो। फिर उससे क्या होगा? उससे लड़ाइयाँ नहीं होंगी और वॉर गॉड का एरो ब्रेक ऑफ द डे पे नहीं गिरेगा। अब ये लाइन का मतलब क्या है? वॉर गॉड यहाँ पे बताया गया है इंद्रदेव को, जो देवताओं के राजा माने जाते हैं, और उनका एरो गिरना मतलब लड़ाई होना, भीषण लड़ाई होना जिससे कई नुकसान होते हैं। ब्रेक ऑफ द डे का वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि पहले जो लड़ाइयाँ होती थी वैदिक टाइम्स में, उनका एक फिक्स टाइम पीरियड रहता था कि वे सुबह सूरज उगने के साथ डॉन के टाइम पे लड़ाई चालू होती थी और डस्क में शाम को इवनिंग में बंद हो जाती थी, रात में कोई लड़ाई नहीं होती थी। इसलिए ब्रेक ऑफ द डे के साथ तीर गिरने की बात, एरो गिरने की बात बताई गई है कि ऐसा ना हो। तो इस पूरी पोयम का एक ही संदेश है, एक ही मैसेज है कि वी हैव टू कीप कॉनकॉर्ड विथ अवर सेल्फ एंड स्ट्रेंजर्स, मतलब हमें अपने पड़ोसी, मोहल्ले वाले, राज्य में रहने वाले, देश में रहने वालों के साथ तो सामंजस्य बनाना ही है, पर कोई ऐसा आता है जिसे आप नहीं जानते तो उसको भी ठुकराना नहीं है, उसके साथ भी सामंजस्य बनाना है। दिस इज द मेन इंटेंशन ऑफ दिस पोयम, और इसी बेसिस पे आप क्वेश्चन आंसर्स इसके लिखेंगे। आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो याद रखने हैं, कंट्री मैन एंड स्ट्रेंजर्स, अवर मैन एंड फॉरेनर्स, इन्हीं वर्ड्स को, की वर्ड्स को यूज कर कर आप इसके सारे आंसर्स बना सकते हैं। एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि हम किस चीज़ को यूनाइट करें वॉर को हटाने के लिए, तो उसमें हम बता सकते हैं कि हम अपने माइंड और पर्पस दोनों को ही यूनाइट करें जिससे हमारे बीच में कॉनकॉर्ड रहे और साथ ही साथ लड़ाई ना हो। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स ऑन न्यू चैप्टर्स एंड क्वेश्चन आंसर्स, ऑल्सो सम इम्पॉर्टेंट टिप्स for 10th and 12th.